मनु एक शादीशुदा लड़का ना चड्डी के जैसा होता है, दो पैरों के बीच फंसा हुआ, एक पैर घर वालों का और दूसरा बीवी का। यहाँ तो दोनों ही पैर तुम्हारे पिताजी के ही हैं। जानते हैं, चड्डी भी तो पिताजी की है, और चड्डी में कितने ही छेद हो जाएं, वो इज्जत फिर भी बचाती है। मनु, हर बेटे का फर्ज होता है अपने बाप की इज्जत बचाना। मान जाओ यार, छोड़ दो वो जॉब। रंजन, तुम्हें पता भी है इंडिया में रोज कितने अबॉर्शंस होते हैं? अरे हमें नहीं पता यार, और उसमें हमारा कोई हाथ भी नहीं है। और तुम्हारे घर में कितने अबॉर्शंस हैं? वो तो तुम्हारे घर में क्यों? क्या? बबली भाभी के दो अबॉर्शंस हुए रंजन, कॉम्प्लिकेशंस के साथ। उनकी जान तो बच गई, लेकिन पूजा ने इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपनी जान गंवा दी। सॉरी मनु, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, अब से हम तुम्हारे साथ हैं। प्रॉमिस। लेकिन तुम्हारे घर वाले, वो तो हमारा डिवोर्स कराना चाहते हैं। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या कराना चाहते हैं, हम करेंगे थोड़ी ना। मतलब कि अब मनु और रंजन मिलके करेंगे थोड़ा मनोरंजन। जय, कहां से मिलो बेटा? चाची के रूम से लेकर आए हैं। रंजन, रंजन जी, पापा कहां है? इधर पापा। अगर आओ निकल। पापा मैं अभी आया हूं, आप दो मिनट रोक लो। बाहर निकल जाओ। पेपर सन है गए? पेपर, डिवोर्स पेपर। आज पेपर साइन हो जाने चाहिए। हो जाएंगे पापा। इन पेपरों पर साइन करो मनु। हम साइन नहीं कर सकते। अरे क्या फायदा तुम्हारा डबल एमए करने का जब तुम एक थोड़ा सा साइन नहीं कर सकती। हमारे पिताजी हमारे भगवान हैं, उनका लिया हुआ हर एक फैसला अटल है, चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो। इन पेपरों पर साइन करो मनु। आपको डाइवोर्स क्यों चाहिए? साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? हजार कारण है जी। कोई 10 बता दो। सर कारण है, ये हमेशा आई लव यू का जवाब थैंक यू से देती हैं, बर्तन धोने वाले साबुन से कपड़े धोती हैं, अलग अलग गानों पर सेम स्टेप करती हैं। जब भी हम इनसे बात करते हैं इधर उधर देखती हैं, इधर कभी देखती नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देखती। हमारे लैपटॉप और मोबाइल को पानी में धोती हैं, मोबाइल का बार बार पासवर्ड चेक करती हैं, जब भी किचन में जाती हैं तो बेलन से लेकर अपनी पीठ खुजाती हैं। बस 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 बस। और आप मनोकामना जी? चीतन मुंह पे हाथ नहीं रखता है, मंगलवार को नाखून काटता है, गुरुवार को बाल काटता है, एक ही अंडरवेयर घुमा घुमा के पहनता है, पूरा दिन सोता है, रात को जगता है, कुछ काम नहीं करता है, सेविंग्स तो कुछ भी नहीं है, सारे पैसे खर्च कर देता है, और वॉशरूम करते हुए चटकनी भी नहीं लगाता। ये सब तो ठीक है, लेकिन तलाक लेने का कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए। सब हम बता रहे हैं, चाल चलन ठीक नहीं है बहू के। अरे चाल चलन ठीक नहीं है मतलब? जगह लंगड़ी चलती है। जो उंगली आप हमारी मनु पे उठा रहे हो ना, ये ठीक बात नहीं है बिल्कुल भी। ये आपकी बहू भी है, हमारी मनु बहुत ही चरित्रवान है। तो कंडोम क्यों बेचती है? कंडोम ही तो बेचती है, कोई पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो नहीं बेच रही है ना? क्षणिक रुकिए, आप लोग शांत हो जाइए। भाई साहब, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि लड़की कंडोम बेचती है? वकील साहब बताने ही वाले थे। कब? केस हारने के बाद? अब ऐसी बातें कहां छुपती हैं वकील साहब, आ गई ना सामने। नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मेरा विरोध ये है। अरे बात विरोध क्यों? रुकिए, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है मनोकामना के कंडोम बेचने से? आपके घर की बेटी कंडोम बेच रही हो, कैसा लगेगा आपको? आ गई ना खांसी, हैं? देख रहा हूँ। अरे तो खांसी तो आई है बस। 6 महीने में या तो आप अपना मामला सुलझा लीजिए, वरना अगर आपस में सुलह नहीं हुई उसके बाद तलाक। 6 महीने सूचना जनहित में जारी है।
भारी है ये सूचना जनहित में जारी है सब पे भारी